औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8 जुलाई 2023। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर, आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइंस। तमाम साथियों के लिए मैसेज है, ग्यारह जुलाई 2023 यानी कि परसों बरोज़ पीर इंशाल्लाह ताला लाहौर में जो है धरना देने के लिए जा रहे हैं पंजाब भर के मुलाजमीन। जो लीव इनकैशमेंट का इशू है उसके ऊपर LPR का इनिशियल बेसिक पे किया हुआ है, बिलखसूस जो हालिया बजट के अंदर इजाफा हुआ है, इसके अंदर जो 30% 1 से 16 का किया गया है 35 की बजाय, वफाक में ये 35% था और इसके साथ साथ पेंशन में वफाक में 17.5% था और सिर्फ 5% किया गया है। हर मुलाजिम का ये काम है कि इस पोस्ट को शेयर करें कि आज से सवा दो साल पहले किसी के स्टेटस के ऊपर एहतजाज की कॉल थी और उस एहतजाज की कॉल को स्टेटस पे देख के मैं जो है वहाँ पे उसको देखने के लिए गया था, तो आज इस जगह पे हैं कि आपको लेट कर रहे हैं या कुछ है, कुछ साथी एतबार करते हैं या मेहनत कर रहे हैं, तो आप शेयर करेंगे। हो सकता है जिसने शेयर की थी वो पोस्ट मुझे आज भी याद है, वो आज तक अपने कमरे से नहीं निकला। इफ्तिखार भाई हैं, आजकल एडिशनल सेक्रेटरी के ऑफिस में होते हैं फाइनेंस रेगुलेशन के, तो JS के ऑफिस में थे एट डेट टाइम, तो उन्होंने सिर्फ स्टेटस पे लगाया था तो मैं उस पोस्ट को देख के चला गया। आज भी मैंने पोस्ट शेयर की है तो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ साथी हैं पंजाब के ही, नवीद हुसैन साहब, राजा अली असगर साहब, ये दो साथियों ने जो है वो शेयर की है, बाकी हमारे अपने तो फेडरल के हैं ही हैं साथी इंशाल्लाह ताला। तो इनकी हमने अरेंजमेंट करनी है, यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से हमने पहुँचना है। जुल्म के जाब्ते हम नहीं मानते, जीना होगा मरना होगा, ज़्यादती होगी जुल्म हो गया ये पोस्टों की बजाय। अमली तौर पे जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे तो ये जहन में रखें किसी सूरत में भी रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। हमारे वफाक के मुलाजमीन, आपको पता है कि मैं रोता रहा पीटता रहता हूं कि निकलें, जो कुछ हज़ार निकलते हैं बेनिफिशरी तो हज़ारों में होते हैं, फिर उसके साथ तमाम सूबों के साथ ही मिल के उतनी उतनी तादाद के अंदर तो एक बड़ी स्ट्रेंथ हम लेते हैं और हम एक रिलीफ जो हासिल कर पाए हैं। पहले भी 25% डिस्पैरिटी हो, 15 हो, लोग उसको आरजी अलाउंस का नाम लेते थे, मगर 2 साल हो गए आपकी सैलरी में लग के आ रहे, टिल रिटायरमेंट आपके साथ ये चलना है। जब तक तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म नहीं हो जाती 100% इजाफा हो जाएगा इसको ख़त्म करने। तो ये जो इनिशियल बेसिक पे है इसको ख़त्म करवाने के लिए, रनिंग पे करवाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। मेरा वफाक का मुलाजिम जो इतनी बड़ी तादाद में जब उसको ख़ुद मिलना होता है, ये एक अलमिया है, वो नहीं निकलता, तो ये जहन में रखें कि कोई किसी की मदद के लिए नहीं आएगा, आप मुलाजमीन को अपने हक के लिए खुद निकलना पड़ेगा। जो कायदीन हैं हमारे पंजाब के वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, सैकड़ों उनके साथ ओहदेदारान हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ हज़ार लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की कॉल हो तो वो इस्लामाबाद भी आते हैं, लाहौर की कॉल हो लाहौर भी आते हैं। 8 लाख पंजाब का मुलाजिम है, ये मेरा मैसेज आप शेयर करें, उन तक ये पहुँचना चाहिए कि कोई भी रिलीफ लेना है तो आपको निकलना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट हमारे वफाक के कुछ अलहदा से भी मसाइल हैं, वफाक के साथ ही ये कह रहे होंगे कि कहाँ पे है, ये इकट्ठे होके जो जिद्दोजहद हमने की है उसका समर फिर बराबरी की सूरत में मिलना चाहिए। हमारे डिफेंस पेड एम्प्लॉयज़ का इश्यूज़ है, अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, पेंशन के इश्यूज़ हैं, एक एक चीज़ नॉलेज में है, ख़ास तौर पर रेगुलराइजेशन फेडरल मुलाजमीन की, ये सेकेंड ईयर के ऊपर है। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन होने के लिए जा रहा है वफाक पंजाब के अंदर, वफाक का अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग बेसिक पे हमने करवा लिया, आपकी शिरकत इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये जहन में रखें तमाम जो शुरका हैं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। पंजाब के कुछ हमारे साथी हमारे भाई अपने आप को मुलाजमीन का गमख्वार भी कहते हैं, आपके बस की बात नहीं है, किसी भी एक यूनियन किसी एक एसोसिएशन की बस की बात नहीं है जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे। खुदारा अपनी छोटी छोटी दुकानों को बंद करें। और आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने जो रिलीफ दिलवाया आप सब मुलाजमीन की वजह से, मैं मुबारकबाद देता हूं कि अगीगा की दुकान चल गई है,
क्योंकि उसी का नाम इस्तेमाल होता है कि जिनको कोई पूछता नहीं था वो भी एक एक अलहदा अलहदा ग्रुप ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का, जिस तरह से एपका को 10 हिस्सों में तकसीम किया था, बगीगा की बारी आ गई है। मगर आप मुलाजमीन ये जहन में रखें कि आपने इत्तेफाक इत्तेहाद का सामना करना है। 10 तारीख की कॉल है, यहाँ से वफाक से इंशाल्लाह ताला जितने मैक्सिमम साथी हो सके, मैं बजाते खुद, लास्ट टाइम भी आपको पता है कि अगर 25 या 30 लोग उधर मौजूद थे तो उनमें से एक मैं भी मौजूद था और मेरे वफाक के एक दो साथी मौजूद थे, बाकी तो जहरी बात है कमरों में मौजूद थे जहाँ पे उनकी रिहाइश थी। मैं सड़क पे मौजूद था और आपसे वादा है कि जब तक पंजाब का आखिरी मुलाजिम उधर मौजूद होगा, आखिरी लीडरशिप के ऊपर तो मुझे कोई शक नहीं है, वो हर सूरत में उधर मौजूद होंगे। रहमान बाजवा वहाँ पर सड़क के ऊपर सिविल सेक्रेटरीट के सामने मौजूद होगा आपके साथ। आपने स्ट्रेंथन करना है अपने लीडरान को। 10 जुलाई 2 दिन रह गए हैं, फेसबुक के ऊपर अभी भी 316 हैं, यहाँ पे कम से कम 30,000 लोग एट अ टाइम आप इसको शेयर करेंगे, हर मुलाजिम तक पहुँचेगा, एटलीस्ट मैसेज तो पहुँचे, पैगाम तो पहुँचे, तभी मुलाजिम आ सकेंगे। हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होती है कि हम कोई एहतजाज की पोस्ट अपनी अपनी आईडी के ऊपर या किसी ग्रुप के अंदर जो है शेयर कर दें तो मामलात ऐसे हल नहीं होंगे। अमली तौर पे निकलना भी पड़ेगा, इन पोस्टों को शेयर भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत वाजह है कि गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, मगर किसी भी सूरत के ऊपर अपने मुलाजमीन ख्वा वफाकी हो या सूबाई, इनके हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशंस के ग्रुप हमारे साथ, चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा साहब, फजल गफार बाचा साहब की टीम, पंजाब की बात की जाए जफर अली खान साहब, शफकत रसूल साहब, फ़खर साहब, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए तो मैडम रुखसाना अनवर, पंजाब टीचर यूनियन की बात की जाए तो चौधरी सरफराज, राजा औरंगज़ेब साहब, अबासी ग्रुप, बहुत सी तंजीमों के नाम रह जाएंगे, प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशंस, टीचर्स एसोसिएशन, तमाम पैरामेडिक्स के हमारे साथी, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथी, फेडरल के मुलाजमीन जो रेलवे के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, लेस्को के मुलाजमीन हैं, आपके लिए मेरा मैसेज है, मैं एक दफ़ा फिर से क्लियर कर दूँ, पोस्ट ऑफिस, AGPR, लेस्को, ये तमाम मुलाजमीन रेलवे के जो हैं लाहौर के अंदर मौजूद हैं कि आपने अपनी शिरकत को हर सूरत में वहाँ पे यकीनी बनाना है। वफाक से इंशाल्लाह ताला मैं खुद उधर मौजूद होऊंगा। लीड डेफिनेटली पंजाब की लीडरशिप करेगी, मगर हम शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे क्योंकि पंजाब के मामलात, होम ग्राउंड को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला आपके हकूक़ पर समझौता नहीं होगा। इस मैसेज को शेयर करें। 10 तारीख को परसों इंशाल्लाह ताला टोयोटा स्टाफ यूनियन की भी है, क्लास 4 के हमारे साथी हैं, हाफिज़ नवीद बाजवा साहब बड़ी तादाद में साथियों को लेके आते हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारे साथी इधर मौजूद होंगे। दुआओं में याद रखें, जो अपग्रेडेशन है वफाक की, मैंने पहले भी कहा कि नॉलेज में है, मगर मुलाजमीन को उसके लिए निकलना भी पड़ेगा, मगर अभी निकलने की नौबत इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी। फेडरल में चीज़ें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में हैं, हम कोशिश करेंगे मीटिंग्स के अंदर इसको रिजॉल्व करें, नहीं होता तो लेके चलेंगे। लाजमी तौर के ऊपर आपने हर सूरत में पंजाब के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, पेंशनर्स के लिए ये मैसेज है कि आपने हर सूरत में अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अभी भी अगर काम की बात की जाए तो इदारों के अभी भी ऑफिस में है, क्योंकि मर्दमशुमारी की वेरिफिकेशन के हवाले से पोस्ट सेंसिस जो है शुरू हो रही है, सिक्योरिटी हमने अरेंज करनी थी इनोमरेशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मैनेज कर लिया है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, छुट्टी लेके आए जैसे भी हैं, आपने पहुंचना है। 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला लाहौर में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।